दोस्तों कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे थे और उन्हें मणिपुर की पुलिस रोक लेती है। हालांकि मणिपुर की पुलिस राहुल गांधी को क्यों रोकती है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मणिपुर आज 2 से 3 महीने हो रहे हैं लगातार जल रहा है। 2 समुदायों के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। एक दूसरे के घर फूंक दे रहे हैं, गाड़ियां फूंक दे रहे हैं, सरकारी आवास फूंक दे रहे हैं, बीजेपी के एमएलओ को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। सरकार वहां पर फेल हो गई है, कोई कुछ इस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है। जिस तरीके से हथियार लेकर लोग वहां पर घूम रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत है। इससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह एक शांति वार्ता करने जाते हैं, शांति वार्ता भी हो जाती है, लेकिन किससे शांति वार्ता होती है यही नहीं पता चलता, क्योंकि जैसे ही शांति वार्ता करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं, लगभग हजारों की संख्या में दूसरे दिन लोग उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सर हमें बचा लीजिए, हमें न्याय दीजिए, मणिपुर जल रहा है उसे बचा लीजिए। लगातार सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आ रही हैं, हालांकि मेनस्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें बहुत ही कम दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए हैं, घर नहीं है रहने के लिए, टेंट में रह रहे हैं। इसके बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो यहाँ के लोग वीडियो बनाकर मणिपुर से भी कई वीडियो उस टाइम के कई सारी पोस्ट वायरल हुई है जिसमें कह रहे हैं सर प्लीज़ कुछ तो मणिपुर के लिए बोलिए, मणिपुर आपके ही देश का हिस्सा है। बाहर विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करना और देश के अंदर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उपद्रव करने वाले लोग कुछ कम ही होते हैं लेकिन उसमें जलने वाले बेकसूर होते हैं। आखिर उनका कौन सा दोष होता है? कई सारे वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इतने सारे लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और इसी बीच जब राहुल गांधी के कानों में आवाज़ जाती है, हालांकि जो ट्रोल होते हैं कई सारे सोशल मीडिया में भी बताते हैं कि चलो पक्ष नहीं जा रहा है, सरकार नहीं कर रही है, विपक्ष भी हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, तो इसी बीच राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए। वो रोड के रास्ते जा रहे होते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। काफ़ी बवाल होता है, लोग महिलाएँ आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी के सामने आकर पुलिस वालों से लड़ रही हैं और कह रहे हैं कि हमसे मिलने दीजिए। राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो उन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं जो परेशान हैं। हालांकि सरकार तो इसको छुपा रही है लेकिन विपक्ष जानना चाहती है, क्योंकि उसे मुद्दा भी चाहिए, उठाना भी है, चुनाव भी आने वाले 2024 में। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये विफलता है और हम चाहेंगे कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें एकजुट होकर इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए और उन्हें लगातार लड़ना चाहिए। हालांकि 2-3 दिन से ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। जिस तरीके से राहुल गांधी को जब से रोका गया है, बवाल और भी बढ़ गया है, लोग और भी उग्र हो गए हैं, सरकार के खिलाफ और भी धरना तेज हो गया है। हालांकि उसके बाद काफी देर बकझक होने के बाद राहुल गांधी से बोला गया कि आप सड़क के रास्ते नहीं बल्कि आप हेलीकॉप्टर के रास्ते जाइए। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के रास्ते वहां जाते हैं और इसी बीच कांग्रेस की ट्विटर हैंडल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, लेकिन ये वीडियो दिखाने से काम नहीं होगा, सरकार को आपके चेताना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि अगर 2024 में आपको अच्छा निर्णय लेना है, अच्छी आपको सफलता लेनी है तो हर मुद्दों को आपको उठा देखना पड़ेगा। उन लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए, लोगों के पास खाने को नहीं है, टेंट में तंबू में रह रहे हैं, आखिर उनका क्या दोष है? पहले वीडियो देखिए कांग्रेस का, जो वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। अब आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, हमारी सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिन्होंने अभी तक मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं बोला। लगातार वहां के लोग रेडियो तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मन की बात नहीं सुनेंगे, हमारे मन की बात सुनिए। लेकिन आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी, आप उन लोगों की मन की बात भी सुनिए क्योंकि वो भी हमारे देश का एक अंग है, एक हिस्सा है। तो आप क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पर और विपक्ष के इस कर्तव्य और राहुल गांधी के इस पदयात्रा पर और उनके इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए और दूसरों तक जरूर शेयर करिए यार, क्योंकि अगर आप हमें मजबूत करेंगे तो हम आपके लिए दिन रात लड़ते रहेंगे। जय हिंद।